हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट HP 99 99 99 नंबर की बोली 30 लाख तक पहुंची है। ये नंबर 30 लाख में बिक गया है। कोटखाई के एक व्यक्ति ने इस नंबर को 30 लाख रुपए में खरीदा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट इस तरह की VIP नंबर की नीलामी कर रहा है, जिससे प्रदेश की आय में वृद्धि होगी। अब बिना 30% टोकन मनी दिए नंबर के लिए फ्रॉड आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया को मजबूत बनाया है। कोटखाई में इस नंबर के लिए 1 करोड़ की फ्रॉड बोली लगी थी। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि हरोली में 27 जून को नशे के खिलाफ वॉक ऑफ लाइफ का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल इसका उद्घाटन करेंगे। सिंथेटिक ड्रग से युवाओं की मौतें हो रही है, सरकार इसको लेकर चिंतित है। नशे में पकड़े जाने पर राजनेता दखल नहीं देंगे, कानून में खामियां हैं जिसको लेकर सख्त कानून बना रही है। 23 जून को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती है, सेंज में उनकी प्रतिमा लग रही है। इससे पहले कल उसका उद्घाटन करने के लिए उप मुख्यमंत्री वहां जा रही है, जिस पर अग्निहोत्री ने कहा कि 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 60 साल का राजनीतिक इतिहास है। वे आधुनिक हिमाचल के विकास की तस्वीर रहे हैं। उनके जन्मदिन के एक दिन पहले इस प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के ठियोग हल्के के सेंज इलाके में वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा स्थापित हो रही है। उसमें हमें बुलाया गया है कार्यक्रम में की अध्यक्षता करने के लिए, और उसमें कांग्रेस की प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा सिंह भी वहां पे आ रही हैं। तो वीरभद्र सिंह जी का एक लंबा राजनीतिक कैरियर था, 60 साल का उनका राजनीतिक इतिहास है। 1962 में वो सांसद बने थे, कई दफा सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने, हिमाचल कांग्रेस के 3 दफा अध्यक्ष रहे, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के 6 दफा मुख्यमंत्री रहे, और आधुनिक हिमाचल के जो विकास की जो तस्वीर है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उनके जन्मदिन के पूर्व एक दिन पहले जो उन्होंने कार्यक्रम रखा है उसमें उनके प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, और उसमें जो है हम जा रहे हैं, उसमें परिवर्तन किया था और अब उसके डिजायर्ड रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। आज एक नंबर जो है HP 99999, यानी कि जिसमें 6 दफा 9 है, उस नंबर की बोली में हमें जो है 29,98,500 रुपए की जो है आय हुई है, और ये पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम हमारा फुल प्रूफ सिस्टम जो है जनता के सामने आ गया है, क्योंकि इससे पहले जो है जब नंबर हम दे रहे थे तो उस समय बोली लगाते समय जो है इनिशियल मनी जमा कराने की प्रक्रिया नहीं थी, तो हमने इसमें किया था कि 30% पहले जमा करवाया जाएगा और बाकी की राशि जैसे ही नंबर मैच्योर होगा उसमें जमा करवाई जाएगी। तो आज HP 999999 नंबर जो है उसमें लगभग 30 लाख रुपए पे ये बोली गई है, और मुझे लगता है कि अब तक की ये सबसे बड़ी बोली होगी और नीलामी की। इससे पहले भी एक नंबर, अभी जब हमने शुरू किया एक नंबर हमारा 8-8.5 लाख रुपए के आसपास बिका था, और कुछ नंबर हमारे 4-4.5 लाख रुपए में गए थे, लेकिन ये नंबर जो है हमारा जिनको गया है या जिसने ये इंदर काल्टा, इन्होंने ये नंबर लिया है, और पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है व्यवस्था के मुताबिक। 29,94,000 रुपया हमारे ट्रेजरी में आया है, और इससे पहले जो है अर्नेस्ट मनी जो है वो 4,500 रुपये थी। तो कुल मिला के
29,98,500 रुपए का ये नंबर गया है। और ये जो वीआईपी नंबरों से जो आए सरकार को शुरू हुई है, ये उसका एक बेहतरीन प्रकरण है। और अब कोई भी सरकार को धोखा नहीं दे सकता। बुकिंग नंबर की बुकिंग कराने में फुल प्रूफ सिस्टम इवॉल्व हो गया है, अन्यथा पहले कुछ लोगों ने बड़ी बोलियां लगा दी थी और पैसा जमा नहीं करवाया था और हमें बाद में जो है एफआईआर करवानी पड़ी। लेकिन उसके बाद हमने ये कहा था कि प्रणाली में बदलाव लाया जाए ताकि कोई धोखा जो है सिस्टम में ना हो। देखिए, नशे के जो अभिशाप है उस पे एक जागरूकता कैंपेन चले, उसको लेके हम 27th को, इसी महीने 27th को ऊना जिला के हरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक वॉक फॉर लाइफ का आयोजन कर रहे हैं। और उस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं और हरोली से लेके कांगड़ तक लगभग 4 किलोमीटर की वॉक जो है आयोजित होगी। और ये उत्तर भारत का एक अनूठा कार्यक्रम होगा और इसको इनोवेशन के साथ किया जा रहा है ताकि घर घर दस्तक दी जा सके, हर कान तक ये बात पहुंच सके कि नशा जो है उसका प्रभाव जिस कदर बड़ा है और पहाड़ों तक चढ़ गया, दुर्गम इलाकों तक चढ़ गया, ट्राइबल इलाके तक चढ़ गया। और खास तौर पे ये जो कॉस्मेटिक ड्रग्स हैं, ये चिट्टा, इससे जो जिस ढंग से मौतें हो रही हैं उससे सारे सबकी चिंता बढ़ी है। हमारी सरकार भी जब से आई है वो लगातार इसके बारे में चिंतन चल रहा है। इसीलिए हमने एक बड़ा अभियान छेड़ने का फैसला किया है। वैसे तो हमने पहले भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति चिट्टे में पकड़ा जाता है, कोई भी राजनेता उसमें दखल नहीं देगा पुलिस के एक्शन में, ताकि इस पे जो है राजनीतिक दखलंदाजी बंद हो। एक बात ये है। दूसरा ये है कि कानून में अभी तक खामियां हैं। जो छोटी मात्रा में चिट्टा लेके चलते हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। और अगर इसमें फॉरेस्ट में, जैसे हिमाचल प्रदेश में कानून बना था कि उसकी गाड़ी भी जब्त हो जाती थी, लकड़ी भी जब्त हो जाती थी और उसकी संपत्ति भी जब्त हो जाती थी, खाते भी जब्त कर लिए जाते थे, तो ऐसा प्रभावशाली कानून बनाने की जरूरत है जिसकी रिकमेंडेशन हमने केंद्र को भी की है। लेकिन बॉर्डर एरिया है हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला, उसके साथ पंजाब का बॉर्डर लगता है, उसको वहां पे थ्रेट्स ज्यादा है। IITs की इन्वॉल्वमेंट, इंस्टीट्यूशंस की इन्वॉल्वमेंट, लॉ कॉलेज की, नर्सिंग कॉलेज की, दूसरे संस्थानों की और एम्प्लॉयज की और लेडीज की, बच्चों की, हम सब मिलके कंपेन चलाएंगे ताकि एक बार एक आवाज बने, हर व्यक्ति इसी एक आवाज को लेके चलें कि हम नशे को नहीं फैलने देंगे, अपने आसपास के वातावरण को सही रखेंगे। इसलिए ये वॉक का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसको क्योंकि अलग ढंग अलग अंदाज में किया जा रहा है और बहुत संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेंगे, तो मुझे लगता है कि एक आवाज बनेगी जो दूर तक तलक जाएगी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।